गाइस आज मैं फिर आपके लिए लेके आऊँ एक जबरदस्त जॉब, जबरदस्त डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की जॉब लेके आऊँ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग वर्क जॉब्स 2023 लेटेस्ट जॉब्स हैं। ज़रा सी भी देरी न करें, लाजमी मैं इस पर आपको अपडेट देता हूँ। 58 सीट्स हैं, 58 वैकेंसी हैं। इस्लामाबाद की ये जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जिसमें एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा गया। फ्रेश ग्रेजुएट पंजाब रीजन से आ रहा हो, मतलब पंजाब रीजन से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो तलीम मांगी गई है वो ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, मैट्रिक्स, मिडिल मांगी गई है। इसी तरह इसमें जो सैलरी आपको तनख्वाह दी जाएगी, ऑफर सैलरी दी जाएगी, वो 20,000 से लेकर 60,000 तक दी जाएगी। और इसमें जो उम्र की हद रखी गई है वो कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 30 है। मर्द खवातीन दोनों के लिए जॉब्स हैं। स्किल लेवल जो मांगा गया है वो कंप्यूटर बेसिक और शॉर्ट हैंड का है। डेजिग्नेशन कौन कौन सी जॉब्स की पोस्टिंग होगी वो असिस्टेंट है, स्टेनोस टाइपिस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, UDC अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, अकाउंटेंट, ड्राइवर और नायब कासिद की। इसी तरह ये आज की डेट की ये पोस्टिंग है और इसकी लास्ट डेट है 16 जनवरी 2023 अप्लाई करने की। इसी तरह इसकी जो ये सारी पोस्ट हैं, इनके ये सारे दर्जे हैं, मतलब के 12वें 15वें ग्रेड की असिस्टेंट की है, 14वें ग्रेड की स्टेनोस टाइपिंग की, 14वें ग्रेड की डेटा एंट्री ऑपरेटर की, 11वें दर्जे की UDC की, सब इंस्पेक्टर की, 9वें दर्जे की LDC की, 9वें दर्जे की अकाउंटेंट क्लर्क की, 7वें दर्जे की ड्राइवर की, 4वें दर्जे की नायब कासिद की, 1वें दर्जे की। इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप नेशनल जॉब पोर्टल के जरिए इसको अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन ये अप्लाई होगा नेशनल जॉब पोर्टल NJP, जिसको जिस जिस बंदे की प्रोफाइल बनी हुई वो लाजमी जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और जिसकी नहीं बनी वो लाजमी है उसको साइन अप करें और जाके ये सारी जॉब से अप्लाई करें। कोई भी एलिजिबल क्राइटेरिया इनका जो है ना उन्होंने नीचे मेंशन कर दिया। मैं आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट भी दिखा दूँ। एडवर्टाइजमेंट में भी क्लियरली मेंशन काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में भी ये है, देखिए जी, ये देखिए नंबर ऑफ पोस्टिंग है। असिस्टेंट की 2 सीटें हैं, स्टैंडर्ड टाइपिंग की 7 सीटें हैं, डेटा एंट्री की 3 सीटें हैं, UDC की 1 सीट है, सब इंस्पेक्टर की 2 सीटें हैं, LDC की 15 सीटें हैं, काउंटर क्लर्क की 23 सीटें हैं, और ड्राइवर की 1 सीट और नायब कासिद की 4 सीटें हैं। इसी तरह हम क्या कहते हैं आपको रिव्यू करवा देते हैं नेशनल जॉब पोर्टल का, आपने कैसे अप्लाई करना है। जब भी आप अपने नेशनल जॉब पोर्टल की प्रोफाइल बना लेंगे, साइन इन कर लेंगे, लॉग इन कर लेंगे, तो यहाँ सारी जॉब्स क्लियरली मेंशन होगी आपकी डैशबोर्ड पे, होम पे सारी जॉब्स ये मेरे। आप किसी भी जॉब्स में लाजमी ढूंढ लेना है, जैसे कि ये ड्राइवर की पोस्टिंग है, तो रिव्यू द जॉब्स या ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा सिंपली। तो ये क्लिक, मेरे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपको डिस्प्ले मिलेगा, तो ये लोडिंग हो रही है। बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया, बस जस्ट आपने जैसे ही अपना साइन अप और लॉगिन करना है तो आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनानी है, और फिर जिस जिस जॉब में आपका क्राइटेरिया का एक्सपीरियंस है वहाँ वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए जी, मैं इस पर मेरी जो क्वालिफिकेशन और CV का मैार है वो इस चीज़ पे पूरा होता था कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो सिंपली आपने नीचे जाना है, ये इस बटन को क्रैक करना है, क्लिक करना है और रिएक्ट कर देना है, और फिर एलिजिबल टू क्लिक टू अप्लाई नाउ कर देना है। बाहरी बात है, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ तो आपने सिंपली यहाँ से आके अप्लाई करना है। ये मेरे एक फॉर एग्जाम्पल आपको बताने के लिए, ड्राइवर की पोस्टिंग के लिए भी है। आप जिस भी पोस्टिंग पे करना चाहते हैं वहाँ पे आके कर सकते हैं। ये नेशनल जॉब पोर्टल का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं कि इसके कॉर्नर पे NJP भी लिखा हुआ है। थैंक यू फॉर वीडियो वाचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। फीम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।